गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्लैम विद उजाला। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ विंटर वेयर आउटफिट जो कि काफी गर्लिश है। बहुत सारी लड़कियों ने रिक्वेस्ट भी किया था कि दी आपने कुछ विंटर वेयर आउटफिट दिखाओ, थोड़ी गर्लिश आउटफिट दिखाओ। कुछ लोग बोलते हैं थोड़ी सी वेडिंग आउटफिट दिखाओ, कुछ हेवी आउटफिट दिखाओ। तो सबका सुनना पड़ता है भाई, किसी एक का नहीं सुन सकते। तो इसमें ना बहुत सारे आइटम है, मतलब बिल्कुल मिक्स वाली आइटम है। उसमें कुछ विंटर वेयर आउटफिट है, वेलवेट वाली वेडिंग स्पेशल जो अभी चल रही है मेरे चैनल पे, कुछ आपको बहुत ही अच्छे विंटर कलेक्शन मिल जाएंगे। एंड उनकी क्वालिटीज, उनकी लुक इतनी सुंदर है, मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड हाँ, इमोजी जो आ रहे हैं ना, वो उससे आपको काउंट करना है। और एक और बहुत, अरे मैं भूल कैसे गई थी, याद आ गया, थैंक गॉड। अब मैंने ना जिस वीडियो में गिव अवे विनर अनाउंस किया ना, उस वीडियो में आप देखोगे ना, जिन लोगों ने भी कमेंट किया उन सबको ना कमेंट में रिप्लाई जा रही है, जिसमें मेरी प्रोफाइल पिक्चर है, यहाँ डाल दूंगी स्क्रीन पे। प्लीज आप उनका रिप्लाई मत करना, उनको रिपोर्ट करो, वो फेक है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरी प्रोफाइल वो नहीं है। जिनको भी मैंने विनर अनाउंस किया वो डायरेक्टली इंस्टाग्राम से मेरे से बात कर चुके हैं। इंस्टाग्राम पे उनकी जो गिफ्ट वगैरह है, उनकी एड्रेसेस वगैरह ले ली गई है। और कोई भी दो ही विनर है और कोई विनर नहीं है, वो एक्स्ट्रा जो झूठी झूठी रिप्लाई की जा रही है उनको इग्नोर करो, उनको रिपोर्ट करो आप लोग, ओके। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात बतानी थी आप लोगों को, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। वैसे मैं यहाँ स्क्रीनशॉट डालूंगी, आप चेक कर लेना अच्छे से। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, बहुत ही अच्छी अच्छी कलेक्शन है आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले विंटर वेयर आउटफिट से। तो ये आप देखो, एक स्वेटर है, ये आप देखो रॉयल ब्लू कलर में, काफी सुंदर है। एंड इसकी जो लुक है ना, वो क्या ही बताऊं मैं, बहुत ही अच्छी है। ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह की है। इसके अंदर ना आप एक क्रॉप टॉप पहनकर उसके ऊपर से इसे पहन सकते हो, उसकी लुक बहुत अच्छी लगेगी। हाई वेस्टेड जीन्स के साथ पहनो, बहुत प्यारी लगने वाली है। एंड अभी जो विंटर है ना, उसके लिए ये मस्ट बाय प्रोडक्ट है, क्योंकि ये स्टाइलिश भी लगेगी, साथ ही साथ आपके विंटर में ना काफी काम आने वाली, क्योंकि इसकी जो ऊल है ना वो काफी अच्छी है। आप देख सकते हो क्वालिटी इसकी बहुत ज्यादा अच्छी। मैंने इसे पहना था ना, मेरा सच्ची बताओ उतारने का मन नहीं कर रहा था, बट मैंने उतार दिया, क्योंकि ये आप लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं है, आप लोगों के लिए लिया है ना। तो ये आप देखो कुछ इस तरह की है, बहुत अच्छी क्वालिटी है गाइस, ट्रस्ट मी। अगर थोड़ी सी भी ट्रस्ट करते हो ना मेरे पे, तो आप इसको जरूर ट्राई करना, ओके। मीशो की कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, रीसेलिंग प्राइस स्क्रीन पे मिल जाएगी, इसकी ट्रायल मैं साइड में दिखा दूंगी, ओके। एक मैंने ये लिया है, ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह की स्वेटर है ये। इसे ना आप कोई स्लीवलेस ड्रेस वगैरह पहन रहे हो ना, उसके साथ ट्राई कर सकते हो, काफी अच्छी लगेगी। थोड़ी अतरंगी सी थी बट मैंने ले लिया, क्योंकि गर्लिश गर्लिश आउटफिट दिखाने थे मुझे, तो मैंने ये काफी गर्लिश आउटफिट ली है। ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी इसकी जो कॉन्सेप्ट थी, और ये काफी लूज है, ग्रे कलर में है, तो इसे आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने एक और ग्रे कलर का आउटफिट लिया है, विंटर आउटफिट। ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह की, इसके ऊपर थोड़े से ना वर्क है, सी कुछ इस तरह की वर्क है, स्टोन वगैरह के वर्क है, काफी अच्छी लग रही है। एंड इसकी जो साइज है वो डबल एक्सल है, तो डबल एक्सल वालों के लिए तो काफी अच्छी है, बट ये एल साइज वालों को भी आ जाएगी, एक्सल वालों को भी आ जाएगी। आप इसे ना एज ए ड्रेस ट्राई कर सकते हो बेल्ट लगाकर। चलो मैं ऐसे ही ट्राई करके आपको दिखाऊंगी, एज ए ड्रेस बेल्ट लगाकर देखते कैसा लगता है। तो ये मुझे काफी अच्छी लगी, इसे मैं हाईली रिकमेंड करूंगी। और क्वालिटी इसकी काफी अच्छी, काफी वार्म है, एंड इसमें थोड़ी सी शाइन है, पास से देख सकते हो। तो इससे क्या होगा ना कि आप विंटर में काफी स्टाइलिश लगोगे, ओके। सो गाइज, लास्ट विंटर आउटफिट मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ये कुछ इस तरह की जैकेट है, ब्लैक कलर की, ये विंटर की, ये भी लड़कियों के लिए बेस्ट है। ये आप देखो ब्लैक कलर की जैकेट है ये, और कुछ इस तरह की स्लीव्स है। इस पर आपको थोड़े से ना शिमरी वर्क मिलेंगे, एंड इसकी जो एंड यहाँ पे ना आपको काफी अच्छे वर्क मिल जाएंगे। आप देख सकते हो स्टोन के वर्क मिलेगी इसके ऊपर आपको, यहाँ आपको पॉकेट मिलती है, दोनों ही साइड में आपको पॉकेट मिल जाते हैं। कहाँ गई दूसरी साइड की, हाँ ये आप देखो दोनों ही साइड में, मैंने देखा था दोनों ही साइड में थे। तो ये आप देखो, ये दूसरी साइड है, एंड इसकी जो जिप है ना वो भी काफी अच्छी है, मैं आपको दिखा दूँ, कुछ इस तरह की जिप है इसकी ना। फुल लुक मैं दिखाऊंगी ना पहन के, फिर आपको अच्छे समझ में आएगी कैसी लगने वाली ओवरऑल। तो ये बहुत ही अच्छी आउटफिट है, इसे आप जरूर ट्राई करना। प्राइस थी ना उसके अकॉर्डिंग मुझे बहुत सही लगी, बट आप लोगों को इससे भी कम प्राइस में मिल जाएगी, आपको पता है ना, जो रेगुलर हैं उनको पता है कि रीसेलिंग में कैसे लेना है नहीं लेना है।
जो नए हैं उनको बता दूं, रीसेलिंग के लिए आपको स्क्रीनशॉट लेना है एंड इंस्टाग्राम पे मुझे शेयर करना है। अगर आप इंस्टा यूज नहीं करते तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो। मेरी मेल आईडी है businesswithujala@gmail.com, इंस्टा आईडी है glamwithujala। ओके, ड्रेस लिया है, ये मिस चेज की ड्रेस है जो मीशो पे मिली है। ओके, तो ये आप देखो कुछ इस तरह की ड्रेस है, लुक इसकी काफी अच्छी है, मस्टर्ड येलो कलर में है। एंड मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ इसकी क्वालिटी को लेकर, क्योंकि मैंने इस ड्रेस की रिव्यू पहले भी कर रखी है। तब मैंने अमेजोन से लिया था, इस बार मैंने मीशो से लिया है। एंड मीशो की क्वालिटी एंड अमेजोन की क्वालिटी में मुझे कोई डिफरेंस नहीं दिखी है, बिल्कुल सेम आउटफिट है ये। तो ये आप देखो कुछ इस तरह की स्लीव्स मिलती है आपको। ओके, एंड यहाँ आपको क्रॉस नेक मिलता है एंड यहाँ आपको डोरी मिल जाती है। जब मैंने अमेजोन से रिव्यू दिया था ना, तब क्या हुआ था, मैंने इसमें जो पॉकेट है ना ये मेंशन करना मैं भूल गई थी। इस बार मैं आपको मीशो की वीडियो में दिखा देती हूँ कि इसमें पॉकेट भी है, बट ऐसा मत सोचना कि अमेजोन वाले में पॉकेट नहीं थी, अमेजोन वाले में भी पॉकेट थी, वो मैंने बाद में नोटिस किया था। ओके, तो ये येलो एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन में है, फ्रंट स्लिट मिलती है आपको काफ़ी अच्छी, बट इनर का कपड़ा भी आपको मिल जाता है। तो वैकेशन वगैरह पे जा रहे हो ना, गोवा वगैरह जा रहे हो, तो ये ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छी लगेगी आपको। नेक्स्ट आपको दिखा रही हूँ ये ग्रीन कलर की ड्रेस है। देखती हूँ मैं पहले कि ये स्कर्ट सेट है या फिर जो शरारा या प्लाजो दिख रही थी वो है। ओके, आई मीन प्लाजो ही आई है। तो इसमें साइज मैंने एल लिया है, बॉटल ग्रीन कलर की है, इसके ऊपर सीक्वेंस के वर्क है, आप देख सकते हो पास से, सी कुछ इस तरह की वर्क है, बॉटम में आपको इस तरह का वर्क मिलता है, लुक वाइज ही काफ़ी अच्छी है। बैक साइड आप देख सकते हो कुछ इस तरह का है, बिल्कुल प्लेन है ये, स्लीवलेस मिलती है आपको। एंड इसमें जो है ना आपको इनर की फेब्रिक भी मिल जाती है, ये आप देख सकते हो। एंड इसकी स्टिचिंग जो है ना इंटरलॉकिंग नहीं है, डबल स्टिचिंग है। एंड इसके साथ मुझे दुपट्टा रिसीव हुई है जो कि सिफोन में है। ओके, सिफोन दुपट्टा मिली है मुझे, और इसकी लेंथ देख लेते हैं, तो लेंथ काफ़ी अच्छी, 2.5 मीटर इसकी लेंथ है। ओके, तो ये काफ़ी अच्छी लगी मुझे। इसकी इसकी बॉटम जो है ना, इसमें मुझे काफ़ी अच्छी घेर वाली प्लाजो मिली है, मतलब बिल्कुल सरारा के लुक में, सरारा नहीं है, और इसकी घेर बहुत ही ज़्यादा है, ये आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छी खासी घेर है इसकी। तो इसे आप ट्राई कर सकते हो, इसकी कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, रीसेलिंग प्राइस स्क्रीन। सो नेक्स्ट आउटफिट दिखा रही हूँ, ये है ग्रे, ये है वेलवेट की आउटफिट। एंड अभी जो विंटर की वेडिंग है ना, उसमें ये वाली आउटफिट आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, तो इसे आप ज़रूर ट्राई करना। पहले तो मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात कि इसमें ना मुझे इस तरह के बटन्स मिले हैं एक्स्ट्रा, जो कि बहुत अच्छी बात है कि ये अलग से आई है। पहले वाली जो आउटफिट आई थी ना, जिसमें बटन वगैरह एक्स्ट्रा थे, वो जैसे ही मैं कपड़े निकाल रही हूँ ना, उसके साथ बाहर फैल जा रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी लगी मुझे कि इस तरह से अलग से आई है, तो ये फैलेगी नहीं। पहले आपको मैं दिखा दूँ, आपने वैसे थंबनेल पे तो देखा ही होगा कि क्या है वेलवेट की। वैसे पहले इसकी दुपट्टा देखते हैं, काफ़ी सुंदर दुपट्टा है, पर्पल कलर में है, डार्क पर्पल। एंड ये आप देखो कुछ इस तरह की दुपट्टा है, साइड में आपको इस तरह की लेस मिलती है। ओके, एंड काफ़ी अच्छी लुक है इसकी, एम्ब्रॉयडरी है पूरे दुपट्टे पे, ये आप देख सकते हो, लुक वाइज बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है दुपट्टा। एंड इसकी बॉटम देखते हैं, बॉटम में पैंट रिसीव हुई है मुझे, पर्पल कलर की है ये। एंड इस पर आप देख सकते हो पैंट पे भी एम्ब्रॉयडरी है, फ्रंट एंड बैक दोनों में ही। इसकी इलास्टिक बहुत ही स्ट्रेचेबल है, इसमें इनर का फैब्रिक नहीं है, बट इसकी सिलाई आप देख सकते हो, इंटरलॉकिंग आपको मिल जाती है। ओके, इसकी कुर्ती है ना, ये काफ़ी सुंदर लग रही थी मुझे, ये आप देखो कुछ इस तरह की, काफ़ी अच्छे मल्टी कलर थ्रेड के वर्क है इसके ऊपर, एंड एम्ब्रॉयडरी है, ये आप देख सकते हो। आपको स्लीव जो है ना यहीं तक मिलने वाली है। एंड ये आप देखो इसके फुल लुक कुछ इस तरह की है, मैं ऐसे साइड में पहनकर दिखा दूंगी, आप टेंशन मत लेना। एंड ये आप देखो बैक साइड इसकी, बहुत अच्छी लुक है इसकी, और ये जो है ना फ्री साइज में, तो किसी भी साइज में हो आप, आपको इजीली आ जाएगी। तो ये थी आज की कलेक्शन, कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना। एंड मिलती हूँ मैं इसी तरह की हॉल वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप ऑन वॉचिंग।